हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे चैनल स्वादिष्ट रेसिपी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कर्ड सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप हैंग कर्ड लिया है। मैं यहाँ पर ली हूँ 2 हरी मिर्च कटी हुई, और यहाँ पर मैंने 1 कप कुकुम्बर कटा हुआ लिया यानी खीरा, 1/2 कप टमाटर, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ कैरोट एंड 1/2 कप कैप्सिकम एंड 1/2 कप यानी एक छोटे साइज का ऑनियन मैंने कटा हुआ ले लिया है। ये मैं ली हूँ ऑरिगेनो, और ये चिली फ्लेक्स मैंने लिया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं कर्ड में जो मैंने हैंग कर्ड लिया है उसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी, जो भी मैंने कैरोट, कैप्सिकम, ऑनियन जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, इस मिक्सचर में डाल दूंगी सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आप ब्लैक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस लिया है, और मैं उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी टोमेटो केचप, और फिर मैंने जो मिक्सचर तैयार किया उसे मैं स्प्रेड करूंगी, और दूसरे ब्रेड स्लाइस पर मैं ऐड कर दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी ग्रीन चिली सॉस, और दोनों ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, और फिर मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी, फिर मैं इसे सैंडविच मेकर में इसे डाल दूंगी और इसे अच्छे से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं सैंडविच अच्छे से पक चुका है, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कर्ड सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार अपने घर में इस तरह से सैंडविच ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।